दोस्तों आप सभी ने इजिप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन संरचनाएं और शानदार कारीगरी का नजारा देखने को मिलता है। वैसे तो इजिप्ट अपने पिरामिडों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है, पर हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ कुछ ऐसी खोजें भी हुई हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान एक बार फिर इजिप्ट की तरफ खींचा है। तो चलिए जानते हैं हाल ही में इजिप्ट में हुई कुछ सबसे बेहतरीन आर्कियोलॉजिक खोजों के बारे में। नंबर 9, इजिप्ट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परोआ। दोस्तों 2017 में नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार इजिप्ट और जर्मनी के कुछ आर्कियोलॉजिस्टों को कायरो के पानी में एक 8 फीट लंबा स्टैच्यू मिला है जो पानी के तल में धंसा हुआ है। जब उस स्टैच्यू को पानी से बाहर निकाला गया तब जानकारों द्वारा उसे 3000 साल पहले इजिप्ट के परोआ रहे रामसेस द्वितीय का स्टैच्यू माना गया, जो कि इजिप्ट के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे और उनके समय में इजिप्ट ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ था। दोस्तों माना जाता है कि उनके समय में इजिप्ट की सेना की पहुंच उत्तर में सीरिया और दक्षिण में सूडान तक थी। आज ये स्टैच्यू मिस्र के प्राचीन संग्रहालय में रखा हुआ है जहां लोग इसे देख सकते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्टैच्यू पे हुए अध्ययन से पता चला है कि ये स्टैच्यू रामसेस द्वितीय का नहीं बल्कि सामेटिक का है, जो कि 664 से लेकर 610 BC तक मिस्र के शासक थे। खैर जो भी हो, ये स्टैच्यू आज मिस्र का सबसे पुराना और बड़ा स्टैच्यू है। नंबर 8, इलीट टूम्स इन लक्ज़र। मिस्र के लक्ज़र के दक्षिणी भाग में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को जब 2 नए मकबरे मिले तब मिस्र ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया और इस खोज की वजह से 2017 में मिस्र लोगों के बीच फिर से एक चर्चा का विषय बन गया। जिस जगह ये मकबरे मिले हैं उस जगह को प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, पर क्या आपको पता है ये जगह एक ऐसी जगह के बहुत करीब है जहाँ मिस्र के ज्यादातर राजाओं की मम्मी दफन की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये मकबरे 1990 में खोजे गए थे, उसके बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये मकबरे आज से करीब 3500 साल पुराने हैं और इनमें एक कोर्टयार्ड और पत्थर की दीवारें भी बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, इनमें से एक सुरंग भी बनी हुई है जो और 4 मकबरों से जुड़ी हुई है। खैर आज भी इन मम्मियों को कोई नहीं जानता कि ये कौन है, हालांकि इनको लेकर कयास जरूर लगाए जाते हैं। नंबर 7, अनूबियन किंग। दोस्तों 2008 में मिस्र के डैंगील में नाइल नदी के किनारे आज से करीब 2600 साल पुराने एक स्टैच्यू के अवशेष मिले और यही वजह थी कि इन अवशेषों की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने में सक्षम नहीं थे कि आखिर ये अवशेष किसके स्टैच्यू के हैं। जिस मंदिर में ये टुकड़े मिले थे वो मिस्र के भगवान अमुन को समर्पित था, लेकिन हाल ही में जब इस स्टैच्यू के और हिस्सों के पास खुदाई की गई तब आर्कियोलॉजिस्ट सकते में आ गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये स्टैच्यू 744 से 656 के आसपास मिस्र के राजा रहे एस्पिल्टा का था, जो कि एक महान राजा थे। माना जाता है कि एस्पिल्टा की बहुत सारी पत्नियां थीं और यहां तक कि उन्होंने अपनी बहन से भी शादी की थी, जो कि मिस्र का हर राजा और परवाह करता था। नंबर 6, द एंकिसेन पेपी पिरामिड। दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पहली बार ऐसे पिरामिड के सबूत खोजे गए हैं जो कि प्राचीन मिस्र की रानी एंकिसेन पेपी द्वितीय को समर्पित था। रानी एंकिसेन पेपी को 6ठी डायनेस्टी की सबसे प्रमुख रानी माना जाता है, जो 2350 BC के आसपास मिस्र की रानी थी। वो और उनकी बहन एंकिसेन पेपी प्रथम दोनों ही परवाह पेपी प्रथम से शादी की थी और यही वजह थी कि उनके नामों में शादी के बाद इतनी ज्यादा समानता आ गई थी। अब आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि एंकिसेन पेपी द्वितीय के दूसरे पुत्र ने महज 6 वर्ष की आयु में मिस्र की गद्दी को संभाला था, लेकिन क्या आपको पता है, इतिहासकारों का मानना है कि पेपी द्वितीय द्वारा 94 साल तक मिस्र के ऊपर राज किया गया। 2017 में स्विस फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक साइट पर खुदाई की तब उन्हें इस पिरामिड के ऊपरे हिस्से का एक प्राचीन ग्रेनाइट पिरामिडियन मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था। आज भी कई खोजकर्ता इस पिरामिड के आसपास बने बहुत से छोटे छोटे पिरामिड खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इन छोटे पिरामिडों को उस समय सोने से ढका गया था। नंबर 5, रिमेन्स ऑफ अ म्यूजिशियन। इसराइल के टिमाना शहर के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक रहस्यमय गर्भवती महिला के अवशेष मिले हैं जो कि आज से करीब 3200 साल पुराने हैं। दोस्तों जिस साइट के पास ये अवशेष मिले हैं उस जगह महिलाओं का जाना वर्जित था, ऐसे में इस गर्भवती महिला के अवशेषों ने खोजकर्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। दोस्तों माना जाता है कि उस समय इसराइल की ये जगह मिस्र के कंट्रोल में आया करती थी। जब इस गर्भवती महिला के अवशेषों को देखा गया तब उसके शरीर के बहुत से हिस्से गायब थे। दोस्तों टिमाना एक ऐसी जगह थी जहां बहुत सी खदानें मौजूद थीं और इसी वजह से वहां कोई नहीं जाता था और आज तक उस जगह किसी भी इंसान के अवशेष नहीं मिले थे, और यही बात बार बार खोजकर्ताओं को हैरान कर रहे थे कि महिला अपनी मौत के समय वहां कैसे पहुंचे। खैर इस जगह के पास कुछ मंदिर जरूर थे जो कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत ही ज्यादा दूर थे। दोस्तों कई वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ये महिला कोई संगीतकार थी जो इन मंदिरों में मिस्र की देवी की पूजा करने आती थी और जब उसकी मौत हो गई तब उसे यहाँ दफन कर दिया गया, लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि गर्भवती होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु कैसे हुई। नंबर 4,
द स्टैच्यू ऑफ पटाव। दोस्तों 2014 में खोजकर्ताओं को मिस्र में जमीन के अंदर एक गड्ढे से बहुत सारी प्राचीन चीजें मिली और उन चीजों में से एक थी मिस्र के भगवान पटा की मूर्ति, जिनके साथ उनकी बिल्ली की मूर्ति भी मौजूद थी। भगवान पटा को निर्माण का देवता माना जाता था और कर्नक के एक मंदिर में उनकी पूजा की जाती थी। सबसे पहले खोजकर्ताओं ने गड्ढा खोदा, फिर उन्हें समझ आया कि उस गड्ढे में कुछ न कुछ मौजूद है और यही वजह है कि उन्होंने उस गड्ढे के अंदर जाकर और खुदाई की। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान पटा के स्टैच्यू का निचला हिस्सा इतना ज्यादा भारी था कि उसे उठाने के लिए कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत पड़ी। इस स्टैच्यू के साथ और भी भगवानों के स्टैच्यू मिले जो कि इसी तरह दफन थे। माना जाता है कि जब इन स्टैच्यूज की पूजा होती थी तब उस दौरान ये कभी कभी खंडित भी हो जाते थे और यही वजह थी कि इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ दफन कर दिया जाता था। नंबर 3, टुटांखमेन्स कैंपिंग बेड। जब दुनिया के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर द्वारा सन 1922 में सम्राट टुटांखमेन का मकबरा खोजा गया, तब उन्होंने मकबरे में मिले खजाने में से सम्राट टुट का फर्नीचर भी खोजा। खैर इस फर्नीचर में कुछ ज्यादा खास नहीं था, पर जब उन्हें इसके साथ 5 ऐसे पलंग मिले जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, उस समय उन्होंने इन पलंगों पे ध्यान दिया ही नहीं क्योंकि 1922 में उनके पास इन पलंगों के डिजाइन समझाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन हाल ही में कुछ सालों पहले टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी जानने के लिए इनके ऊपर अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम चौंकाने वाले थे क्योंकि इन्हें बहुत ही उन्नत तरीके से बनाया गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि सम्राट टुट अगर शिकार करने या किसी और कारण से मिस्र के बाहर जाएं तब उन्हें बाहर रहते हुए भी आराम मिल सके। इसके पहले किसी भी सम्राट के खजाने के साथ इस तरह के पलंग नहीं मिले थे और यही वजह है कि सम्राट टुट ने खोजकर्ताओं और इतिहासकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को ये समझ नहीं आता कि आज से 3000 साल पहले इस तरह की तकनीक इस्तेमाल करके ये पलंग कैसे बनाए गए और इन्हें किसने बनाया। नंबर 2, अ हिडन चेंबर। दोस्तों लगातार कई सालों तक अध्ययन और खोज के बाद खोजकर्ताओं को ये विश्वास था कि उन्होंने गीजा में स्थित हर पिरामिड के सारे छुपे हुए राज जान लिए हैं। लेकिन क्या आप सभी को पता है 2017 में एक पिरामिड के अंदर एक नया चेंबर मिला जो कि आज से करीब 4500 साल पुराना था। जब ये चेंबर मिला तब इसने दुनिया का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचा। अब सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस छिपे हुए चेंबर को खोजने के लिए खोजकर्ताओं द्वारा म्यूऑन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत सी छिपी हुई बातें सामने आईं। पिछली खोजों से ये पता चला है कि पिरामिड के अंदर 3 प्रमुख एरिया होते हैं जिनमें से एक राजा और दूसरा रानी का होता था। इसके अलावा तीसरा हिस्सा संग्रहालय होता था। हालांकि आज तक खोजकर्ता ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इन चेंबर्स का आकार कितना है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था। आज बहुत से लोग अब ये मानने लगे हैं कि इन पिरामिडों के अंदर अभी भी बहुत से रहस्य मौजूद हैं जो कि सही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, द टू ब्रदर्स। सन 1907 में उस वक्त दुनिया हैरान रह गई जब इजिप्ट के अंदर तो रहस्यमय ममीज को खोजा गया। ये दोनों ममीज कायरो से करीब 150 मील दूर एक ब्यूरियल साइट पे मिले थी। इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना गया और इसे खोजने वाले 2 लोग थे जो कि उस समय के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट थे। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये आज से करीब 4000 साल पुरानी ममीज हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर मकबरे में रखी हुई थी। इनकी खोज के बाद वैज्ञानिकों के बीच ये होड़ लग गई कि क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जिसके बाद पता चला कि हाँ ये दोनों सगे भाई हैं। 1908 में इन दोनों भाइयों को इंग्लैंड के मैनचेस्टर भेज दिया गया, जहाँ 100 साल की लंबे रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये दोनों एक माँ से जन्मे भाई हैं, पर इनके पिता अलग हैं, जो कि ये बात साबित करता है कि ये दोनों सगे नहीं बल्कि हाफ ब्रदर्स हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।